मैं मुझे कोई मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हमको कोई इस बात से ना कोई खुशी है ना कोई गम है, हम व्यक्तिगत दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है, इस पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब NCB इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ ना कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। तो आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स ऑफ ऑल, बट आई कैन टेल यू कि आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड और नॉट आई डोंट हैव एनी रीजन टू बी हैप्पी और अनहैप्पी, खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। आई ओनली वॉन्ट दैट ट्रूथ मस्ट कम आउट कि व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस सुशांत केस, दैट मिस्ट्री हैज टू बी अनफोल्डेड, वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम है। नहीं नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं, जैसे सुशांत की केस करते हैं बात करते हैं मामले की बात करते हैं तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है, CBI उसकी भी जांच क्यों कर रही है, हमने न्यूज में देखा है, तो CBI वो मामले की जांच कर रही है, CBI दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है, और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर CBI काम कर रही होगी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी होगी, करनी चाहिए, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए क्यों ड्रग ले रहे थे, अब कहने को तो हम भी कुछ कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। देखो, आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी कॉमेंट ऑन दिस, माई पॉइंट इज कि नाउ मुंबई पुलिस वॉज नॉट, मतलब द जनरल परसेप्शन इज दैट मुंबई पुलिस वॉज नॉट फेयर इन इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड बिहार पुलिस वॉज नॉट अलाउड टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, दे क्रिएटेड हर्डल एंड यू नो द होल स्टोरी हाउ दे बिहेव विद बिहार पुलिस, सो आई डोंट हैव टू यू नो say anything about this. My only thing is that was the only option left to the court also. Bihar police couldn't do it because Mumbai police didn't want that Bihar police should handle this case, investigate this case, and Mumbai police has lost its faith, reliability, it was not doing anything, so the only option was that case should have been investigated by CBI, and Honorable Supreme Court already has given its verdict and by order of Honorable Supreme Court, case has been handed over to CBI. So there should not be, I shouldn't make any comment. CBI is working, its style is different, it's working in a very professional manner. So truth has to come out. And Riya Chakravarti, about whom you are talking, now Riya Chakravarti is totally exposed in the sense that she had connection with drug peddlers. That has been established. This is why she has been arrested. Dekho, it's very difficult to presume anything, and one should not presume anything because all professional investigating agencies are now looking into this matter. So it's not wise to presume anything. But gradually things are happening. Now people are very excited to know what further. And your question is also very right. You are also very excited to know what in future and who is going to be arrested in future. So I shouldn't make any comment on this, but I am telling you now this mystery will be unfolded by CBI also, and truth will certainly come out, and people responsible behind this Sushant. So hum us par kya comment kare, NCB keh rahi hai to drug ka aisa dhanda hai jisme bade bade log hain, ye to pura chote log drug ka dhanda chote star par karte hain, और बड़े स्तर पर जो ड्रग का धंधा होता है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं हम, उसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। ये आप ही से हम सुन रहे हैं, आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हु हैज बीन अरेस्टेड, हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव रिसीव फ्रॉम द मीडिया ओनली, दैट रिया चक्रवर्ती इज अरेस्टेड बाय NCB इन ड्रग पेडलिंग ड्रग केस। ठीक है, फाइन, This month NCB must have found some evidence against her. उसके खिलाफ कुछ evidence मिला होगा तब तो arrest किया गया है। देखिए, औकात का मतलब होता है stretcher. तो मैंने कहा था, मैंने I didn't want to hurt her or anybody. My intention is not, मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुखी करूं. My purpose was not to hurt anybody, to humiliate anybody. It was a spontaneous reaction.
कि स्ट्रेचर उनका नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करें, उसको हमारे यहां औकात बोलते हैं भोजपुरी में, उसका निगेटिव सेंस ले लिया गया, निगेटिव अर्थ ले लिया गया, मीडिया पर ट्रोल किया गया। मैंने उसी समय कहा कि भाई माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट और ह्यूमिलिएट एनीबॉडी, तो हमारा ये पर्पस ही नहीं था। आई हैव नेवर डन दिस इन माय लाइफ, आई हैव नेवर हर्ट और ह्यूमिलिएटेड एनीबॉडी इन लाइफ। देखिए सबका अपना अपना संस्कार है, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस, आई डोंट हैव यू नो अथॉरिटी एंड आई डोंट हैव दिस इज अथॉरिटी टू कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल पर्सन, दैट इज नॉट माय बिजनेस कि वो किस पर क्या बोलते हैं। तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, मेरे खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने एक महिला के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने बिहार पुलिस के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय बात कही। मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया दी? मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगा? वो बहुत बड़े हैं, उनका स्ट्रेचर, उनकी औकात हमसे बहुत बड़ी है, हम उन पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? आई कांट। नहीं, आप बताइए कि दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन विच डेट, डू यू रिमेम्बर? ऑन 14th ऑफ जून, एंड आफ्टर 14th ऑफ जून व्हाट हैपेंड टिल 20th? एवरीथिंग वाज यू नो फिनिश्ड, साइलेंट। मुंबई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुशांत वाज आउट ऑफ न्यूज आफ्टर 20th, विद इन वन वीक एवरीथिंग यू नो वाज सेटल्ड। तो होल प्रॉब्लम स्टार्टेड वेन आई रजिस्टर्ड ए केस हियर इन पटना। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस इन पटना ऑन 26th, ऑन 25th माई टीम वॉज, फोर मेंबर्स टीम वॉज डिस्पैच फॉर मुंबई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन 27th। देन द होल हंगामा स्टार्टेड, वाई बिहार पुलिस रजिस्टर्ड केस, वाई फोर मेंबर्स टीम पुलिस ऑफिसर केम टू मुंबई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बिहार पुलिस डोंट हैव राइट टू रजिस्टर केस, बिहार पुलिस डोंट हैव राइट टू इन्वेस्टिगेट द केस, इट इज टोटली इलीगल, लॉट ऑफ टीवी डिबेट्स आर गोइंग ऑन, एक्सपर्ट ऑफ लॉ, एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन फेवर ऑफ मुंबई पुलिस ओनली, बिहार पुलिस। फॉरगेट अबाउट बॉलीवुड, आई एम नॉट, आई डोंट नो अबाउट बॉलीवुड एनीथिंग बिकॉज आई नेवर वॉच मूवी, आई एम नॉट, आई हैव नथिंग डू विद बॉलीवुड एंड हु इज हैप्पी हु इज अनहैप्पी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक समबडी हैप्पी और अनहैप्पी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, वॉट एवर इज ड्यूटी, लॉफुल ड्यूटी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक समबडी हैप्पी और समबडी अनहैप्पी, दैट इज नॉट माई बिजनेस, आई डोंट बदर हु इज हैप्पी हु इज अनहैप्पी। आई हैव टेकन, नाउ इट हैज बीन गिवन वर्डिक्ट, हैव बीन गिवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट वॉट एवर आई डिड वॉज राइट, वॉज लीगल, वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल, आई डिंट डू एनीथिंग आउट ऑफ यू नो ज्यूरिस्डिक्शन, सो रजिस्ट्रेशन FIR वॉज लीगल, माई नेक्स्ट एक्शन आई डिस्पैच द टीम टू मुंबई पुलिस मुंबई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज ऑल्सो नॉट illegal, and the Bihar government referred the case to the CBI and through central government, that is also not illegal, so that has been held by Honorable Supreme Court. Why to debate on this? इस पर क्यों बहस करनी है? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिहार पुलिस ने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया, केस करना भी गलत नहीं, टीम भेजना भी गलत नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना भी गलत नहीं, सीबीआई को केस रिफर करना भी गलत नहीं, तो उस पर अब हमको क्या बोलना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कौन है?